हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है एक और नई वैकेंसी के साथ जो कि आ रखी है यहाँ पे राइट्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर एक कार्य करता है, रेल मंत्रालय के अंदर एक कार्य करता है। और मैं आपको डायरेक्टली इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके आ चुका हूँ और इसका यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे एक लाइक कर देना। तो अब डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आईटीआई कर रखा है 10वीं के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है या फिर अगर आपने यहाँ पे बीई कर रखा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो आईटी वालों के लिए यहाँ पे सुपरवाइजर का वैकेंसी है और डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे साइट इंजीनियर का वैकेंसी निकाला गया है और ड्राफ्टमैन के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए। और ये आपका परमानेंट जॉब रहेगा, सरकारी नौकरी आपको देखने को मिलेगा जिसको ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं। सैलरी भी मैं आपको बता देता हूँ कि आईटी वालों का जो सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा 35,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग ये सैलरी बनता है आईटी वालों के लिए। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर अगर आपने बीबीटेक कर रखा है तो आपका जो सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा 65,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। उसके लिए वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब आप अप्लाई कर पाओगे। अपने मोबाइल से वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो के लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा दीजिएगा। टारगेट रहेगा 1200+ का। और अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर देना और ध्यान रखिएगा कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी ब्रांच में आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने बीबीटेक कर रखा है, कौन से ट्रेड के अंदर आपने आईटी कर रखा है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप उससे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं कॉल पे या मैसेज पे तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाता है और आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही जगह आपको सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे। ज्वाइन कैसे करना है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप टेलीग्राम पे मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, डायरेक्टली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप पे और वहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे बात भी कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब आपको नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन निकाला गया है यहाँ पे राइट्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर एक कार्य करता है, रेल मंत्रालय के साथ ये काम करता है। और यहाँ पे जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा वो आपको अलग अलग पोजीशन पे देखने को मिल जाता है। अब बात की जाए यहाँ पे कि कौन कौन सी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट मेंशन कर रखा है जिसमें इन्होंने बता रखा है कि आपका वैकेंसी नंबर क्या रहेगा, कौन सा पोस्ट आपका रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी, जो कि डिवाइड कर दी है UREWS OBC SC ST और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को मेंशन कर दिया है। यहाँ पे वैकेंसी नंबर का ध्यान रखिएगा कि जो भी वैकेंसी नंबर है आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। देखिए पहला जो रहेगा आपका सुपरवाइजर का रहेगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजर डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 निकाली गई है। ड्राफ्टमैन का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर यहाँ पे यूआर के लिए 7 वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 13 है। क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट रहेगा एंड यहाँ पे क्वालिटी इंजीनियर का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2 है। उसके अलावा यहाँ पे फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का वैकेंसी है, 71 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, मैक्सिमम आपका एज 55 ईयर तक इन्होंने दे रखा है। और जो आपका एज कट ऑफ रहेगा 1 अक्टूबर 2023 तक आपका एज ये काउंट होने वाला है। एंड यहाँ पे जो एज मेंशन कर रखा है वो मेंशन कर रखा है जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रहेगा, तो उन्होंने मेंशन कर दिया है पूरा चार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि आप देख सकते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सुपरवाइजर के पोजीशन के लिए, तो आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है सिविल में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बीएससी सिविल में कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। 3 साल का यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वाटर सप्लाई में, और यहाँ पे वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रखा है तो उस एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे काउंट करवा सकते हैं। वहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ड्राफ्टमैन के लिए, तो आपने आईटीआई कर रखा है प्लस यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आपने अप्रेंटिसशिप की है, तो आप एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास होना चाहिए ऑटो कैड के अंदर, तो आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के अंदर वैकेंसी निकाला गया है। तो बीटेक कर रखा है सिविल में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको काउंट करवा सकते हैं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की पोजीशन के लिए, तो आपने बीटेक कर रखा है सिविल में या फिर डिप्लोमा कर रखा है सिविल में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री वालों के लिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है प्राइवेट कंपनी के अंदर है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का मिलेगा, एसएसटी कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। जो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा वो 1 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पे काउंट होने वाला है। एंड यहाँ पे बात की जाए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि सिलेक्शन कैसे आपका होगा, तो देखिए जो एक्सपीरियंस है उसको वेटेज नहीं दिया गया। यहाँ पे एक्सपीरियंस को ओनली 10% वेटेज दिया गया है, और इंटरव्यू को यहाँ पे 90% वेटेज दिया गया है। ओवरऑल यहाँ पे आपका 100% आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की टेंशन नहीं लेनी, बस आपको अपने इंटरव्यू के लिए बढ़िया प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू को आपको अच्छा देना है, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि इंटरव्यू का यहाँ पे 90% वेटेज रखा गया, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सैलरी आपका क्या रहेगा, सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए आपका जो सैलरी बैठता है वो आपका यहाँ पे लगभग मान के चलिए 5,25,000 रुपये सीटीसी आपका देखने को मिलेगा। और अगर आप ड्राफ्टमैन की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 3,12,000 रुपये सीटीसी आपका बैठता है, मतलब कि सालाना। और अगर आप फील्ड क्वालिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 5 लाख सीटीसी बैठेगा। और अगर आप कंट्रोल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 4 लाख सीटीसी आपका एनुअल आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि एप्लीकेशन फ़ीस आपका 0 रुपये। अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो आप में से किसी को भी 1 रुपया भी पे नहीं करना है, क्योंकि आपका फॉर्म रहेगा बिल्कुल फ्री का। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आप उनके कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन का बटन दिखेगा, और वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, फिर आप लॉगिन करेंगे, देन फिर सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने बोल रखे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ये आपके पास होने चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इन्होंने वेन्यू और टाइम मेंशन कर रखा है, इस वेन्यू पे आपको जाना है और अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करना है। आप कब तक जा सकते हैं, 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आप कभी भी जा सकते हैं और अपने वॉक इन इंटरव्यू को यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि 15 अक्टूबर को यहाँ पे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो आप 13 अक्टूबर को जा सकते हैं, 14 अक्टूबर को जा सकते हैं, 16 अक्टूबर को जा सकते हैं, 17 अक्टूबर को जा सकते हैं, 18 को जा सकते हैं, 19 को जा सकते हैं और 20 अक्टूबर को जा सकते हैं। इन डेट पे कभी भी आप जा सकते हैं और आप अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपका 0 रुपये है, तो आपको टेंशन भी नहीं लेनी। साथ ही साथ बात कीजिए यहाँ पर कि आपका जो रहेगा इंपॉर्टेंट डेट अप्लाई करने का, यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा 17 अक्टूबर 2023। तो मान लेते हैं कि आप 20 अक्टूबर को जा रहे हैं और आपने 17 अक्टूबर को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिया है, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, तो आप 20 अक्टूबर को जा सकते हैं। जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके 20 अक्टूबर को जा सकते हैं, 18 अक्टूबर को जा सकते हैं, 19 अक्टूबर को भी जा सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे
कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर ली है, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप आराम से देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट मेंशन कर रखा है, जो कि आपका रहेगा सीरियल नंबर रहेगा, वैकेंसी नंबर रहेगा, आपका क्या पोजीशन है और यहाँ पे आपका कब लास्ट डेट रहेगा, वो सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। तो आप अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे अगर आप सेवन्थ नंबर पे देखते हैं, जो कि आपका रहेगा ये नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को बेसिकली डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगा 17 अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर से पहले पहले एटलीस्ट ऑनलाइन अप्लाई जरूर कर देना। इंटरव्यू देने आप 20 तारीख तक जा सकते हैं, लेकिन 17 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बटन दे रखा है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करेंगे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वैकेंसी नंबर को ध्यान रखना है कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, 340/23 कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की पोजीशन है, इसके लिए मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वैकेंसी का नंबर, कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा, नेम ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ पे आप अपने फादर का नाम डाल सकते हैं, हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं, उसके अलावा आपका जेंडर आ जाएगा और आपका कैटेगरी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है और ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद फाइनली आपको सबमिट कर देना है। आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा सबमिट और आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, जो कि आपके ने जो ईमेल आईडी डाली है उस ईमेल आईडी पे आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि ऊपर दे रखा है एप्लीकेंट लॉगिन का बटन, इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करेंगे वापस से एक न्यू टैब ओपन होगा और यहाँ पे बोलेगा कि आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं, जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है उसके हिसाब से भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप आईडी पासवर्ड को भी डाल सकते हैं, लॉगिन कर लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपका वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा, उस फॉर्म का आपको डाउनलोड कर लेना है और आप यहाँ पे जा सकते हैं 20 अक्टूबर 2023 तक कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।